आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हाइड्रलिन सिरप के ऊपर है। इस वीडियो में आपके साथ हाइड्रलिन सिरप की ऑल बेनिफिट साइड इफेक्ट उसी शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रलिन सिरप ये बेसिकली सेल कंपनी की प्रोडक्ट है। तो सेल कंपनी की ऑल दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको ये पाकिस्तान के अलावा ऑल वर्ल्ड में इजी अवेलेबल है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान मार्केट में 69 रुपीज़ का अवेलेबल है। आपको इजीली पाकिस्तान मार्केट में मिल जाएगा हर पॉलिसी में। तो अब इसके बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर जो फार्मूला ऐड है वो अमाइनो क्लोराइड एंड मेथोल ऐड है, जो कि हमारे जो इसके फ़ायदे इसलिए है जो कि हमारे गले की खराश को ख़त्म करता है, बंद नालियों को खोलने में मदद देता है, सांस में लेने में मदद, सांस में प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद देता है। बलगम वाली खांसी को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा खुश्क खांसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक एंटी एलर्जी सिरप भी है, जो कि हमारी आंखों का पानी में से आना, नाक में से पानी का निकलना, आंखों में से पानी का निकलना, बलगम वगैरह आने उसको भी ख़त्म करने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इसके अंदर मेथोल है, मेथोल जो हमारी टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में भी इजी अवेलेबल है, जो ये हमारे अंदर जाकर बहुत ज़्यादा स्मूथ रिलीफ हमें देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हमारे लिए खांसी में और बलगम खांसी के लिए, एलर्जी खांसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके ऑल बेनिफिट। तो इसको दमा के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें शुगर फ्री भी एक सिरप आता है, जो शुगर फ्री शुगर वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम हाइड्रलिन सिरप है जो शुगर फ्री पेशेंट्स के लिए बना हुआ है। तो ये थे इसके ऑल बेनिफिट। तो इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसकी ज़्यादा ओवरडोज लेने से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा हमें नींद वगैरह आ सकती है, या हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या हमें वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इसके बेनिफिट और साइड इफेक्ट हैं। तो ये थे इसके ऑल बेनिफिट साइड इफेक्ट यूसेज। तो इसको परफेक्ट पीने का टाइम यही है, खाने के बाद आप इसको एक चम्मच ले लें तो ये आपके लिए बेस्ट है, कुर्बानी वगैरह आप उसको इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इसके ऑल बेनिफिट साइड इफेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको।